हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और रिप्रेजेंट के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम लोग यहां पर पहला दिन शुरू करेंगे ऋषिकेश में, और यहां पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे शिवानंद आश्रम, जहां पर हमें मिलेंगे हमारे गाइड, और वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाएंगे राम झूला की तरफ, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है, जो एक बहुत ही बढ़िया झूला है, काफ़ी पुराना झूला है, और उसके ऊपर से हम लोग वॉक थ्रू करेंगे और जाएंगे आगे और देखते हैं भाई कि यहाँ पर गंगा टेंपल क्या है, और कुछ अलग अलग जगहों की तरफ हम लोग घूमने आज जाने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी ब्यूटीफुल डे। फोन उल्टा है। हाँ, तो हम लोग यहीं पे उतर रहे हैं शिवानंद आश्रम के ठीक है ठीक है। हेलो ना, वो रथ आओ से रथ, हम आओ से रथ ऊपर दी सो गाइज, ट्रिप शुरू हो चुकी है। वी जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स, आई हैव नो आइडिया कहाँ पर आगे जाके। मैं आपको सारे जगहों के नाम देते रहूँगा, और आपको नीचे ग्राफिक्स में भी पता चलेगा कौन सी जगह का क्या नाम है। और राइट साइड में आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल गंगा नदी बह रही है। फ्लो थोड़ा सा कम है, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम पानी इतना साफ नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था उसके कारण काफ़ी ऊपर से मिट्टी सब कुछ आ चुकी है, तो दैट्स द रीज़न पानी इतना साफ नहीं है। और हमारा ग्रुप काफ़ी बड़ा है, तो सब लोग अपने पाप धोने के लिए हरिद्वार आए हैं। गंगा का नाम भगीरथी गंगा, गंगा पे झूला पड़ता है, झूला में सेंगर ब्रिज, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। रियल नाम है शिवानंद झूला, हाँ बड़े के नाम लवली नाम राम झूला। ये कब बना? ये इंडिया गवर्नमेंट के राज में बना। ये 1985-1986 में स्टार्टिंग हुआ, 1985-86 में स्टार्टिंग हुआ। इसका लेंथ है 650 लेंथ है। ऐसा ही है सेम झूला, 2 किलोमीटर आगे लक्ष्मण झूला, वो कम बना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज बना 1930 लक्ष्मण झूला, 450-650, बड़े के नाम राम छोटे के नाम लक्ष्मण। हर साल रिपेयरिंग कलर होते रहता है दोनों झूले, 2 व्हीलर इलाव झूला मीन्स हैंगर। तो दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा रहेगा, बट देन द होल पॉइंट था कि आज के इस व्लॉग में सिर्फ फोकस रहेगा राम झूला के ऊपर। अगर आप ऋषिकेश आते हो तो डेफिनेटली बाई वॉक जाइए राम झूला के, और आप इस जगह इस झूले के एक तरफ से दूसरी तरफ तक पैदल जाइए। शाम में यहाँ पर बहुत अलग अलग जगहों पे आरती भी होती है, यहाँ पर उनका भी दर्शन कीजिए। और फिलहाल के लिए फरवरी मार्च के महीने में तो बिल्कुल कोविड के कारण कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई लोग नहीं है, खाली पड़े हैं रास्ते, सड़कें, सब कुछ, तो आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाएगा। एंड ऑन दैट नोट, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब रखिए, और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय। सो गाइज, हम लोग राम झूला के सामने आए हैं गंगा मैया के दर्शन करने। पहली बार पानी छुएंगे, गंगा मैया को छुएंगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। पानी की स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, काफ़ी शांति है। जंप ना कर, जो करो तो क्यों, जो शॉर्ट ले मैं बताया ना, बेना हुए